नमस्कार जनादेश 2019 में मैं विजय श्रीवास्तव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छह चरणों का मतदान हो चुका है, चक्रव्यूह के छह दरवाजे भेदे जा चुके हैं और अब सातवें चरण का मतदान बाकी है। इस चक्रव्यूह के इस दरवाजे को किस तरह से भेदेंगे, कौन सी पार्टी भेदेगी, ये सब पता चलेगा हमें 23 मई को। लेकिन उससे पहले ये सातवें चरण का जो मतदान जो 19 मई को होना है उसमें 8 राज्यों की 59 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है, लेकिन यूपी की 13 सीटों पर यहां पर मतदान होगा और यूपी की वो 13 सीटें जो पूर्वांचल की शान है उन सारी सीटों पर मतदान इस बार इस सातवें और अंतिम चरण में होना है। इस विषय पर, इस चरण के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल में इस समय कई मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं एक एक करके आपसे परिचय कराऊंगा। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा कमरुल हुदा साहब का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे इस पैनल मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उनके नजदीक में है अंशु अवस्थी जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद सपा के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे नजदीक में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद श्रीवास्तव जी, आप सबका हमारे इस चर्चा इस जनादेश प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हरीश चंद श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहूंगा, सातवें चरण का ये मतदान जो 19 मई को होना है किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने इस कार्यक्रम का, इस परिचर्चा का नाम ही जनादेश रखा है जी, तो ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इस 13 जो लोकसभा क्षेत्र हैं जिसपे 19 तारीख को मतदान होने वाला है, इसमें वो सभी दलों के भाग्य का फैसला करने वाली है। और जो जनता का रुझान, इस तरह की फीडबैक देश से प्राप्त हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का जिस तरह से उत्साहजनक समर्थन और विश्वास भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, पूरे जिम्मेदारी और भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आम आदमी की आवाज बन चुके हैं। चलिए आप बताइए गांधी साहब, आप बताइए आपकी नजर में सातवें चरण का मतदान जो है वो किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि 2014 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित तौर पर इसलिए जीती थी क्योंकि वोटों का बिखराव था। 2019 में ये वोटों का बिखराव उत्तर प्रदेश के अंदर रुक चुका है। दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सपने दिखाए थे, रोजगार को लेकर दिखाए थे, अर्थव्यवस्था को लेकर दिखाए थे, ये सारी की सारी चीजें चकनाचूर हुई हैं। आज उनका नॉन परफॉर्मेंस जनता के सामने है, तो जनता जो है परफॉर्मेंस पर वोट देगी। देखिए, राष्ट्रवादी हर एक कोई है, देशभक्त हर एक कोई है, लेकिन इस देशभक्त को भी तो भूख लगती है ना, वो पूछेगा ना मेरी रोजी कहाँ है, मेरी रोटी कहाँ है, सड़क बिजली पानी कहाँ है। इन पर प्रधानमंत्री जी किसी मीटिंग में बोल रहे हैं तो मुझे बताइए, उज्ज्वला योजना में 74% गैस सिलेंडर लोग नहीं भरवा पा रहे हैं, जो शौचालय बने हैं 95% शौचालय दो गड्ढे के बना दिए गए हैं और 95% शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अगर इस आधार पर आप वोट लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। आज देश की जनता आपके परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस पर वोट देगी और इसलिए मैं कहता हूं कि सातवां चरण बहुत निर्णायक होगा, जहां खुद प्रधानमंत्री जी की सीट आती है। और अगर प्रधानमंत्री जी को खुद पाकिस्तान का जिक्र बनारस में करना पड़ जाए तो मैं समझता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी खुद बहुत कमजोर पोजीशन में हैं। सातवां चरण बेहद निर्णायक होगा जैसा कि हाफिज गांधी साहब ने बताया। चलिए अंशु अवस्थी जी आपके पास आते हैं, आपकी नजर में सातवां चरण किस तरह से है? दो लोगों की राय हमने ले लिया, अब आपकी राय लेना चाहेंगे। देखिए, देश का 2019 का जो चुनाव है जी, उसका हर एक चरण बहुत महत्वपूर्ण रहा है और निश्चित तौर से सातवां चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जनता जनार्दन इसमें प्रतिभाग करेगी और निश्चित तौर से 2014 के जो वादे थे भारतीय जनता पार्टी के, आज जो देश का जो जनमानस है उनके बारे में सोच रहा है हर एक मुद्दे पर, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, या किसानों से किए गए वादे हो, या 15 लाख रुपए प्रत्येक अकाउंट में देने की बात। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रही है क्योंकि इन्होंने पिछले 5 सालों में सिर्फ जन विरोधी काम किए हैं। मोदी जी की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर ये कोई काम करने जा रहे थे तो वो किसान विरोधी था, भूमि अधिग्रहण कानून को समाप्त करने जा रहे थे जो कांग्रेस की सरकार में आया था। कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर आई है, हमारे लिए जनता जनार्दन प्रथम है और हमने वादा किया है कि हम प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपए वार्षिक और 5 साल में 3,60,000 रुपए, किसानों को लेकर जो दुर्दशा 5 साल में हुई, 50,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, तो हमने जरूर वादा किया है कि किसानों के लिए हम अलग से बजट लाएंगे और शिक्षा पर हम बजट का जो
सरकार ने घटा दिया। 4.7% हमारी सरकार में खर्चा होता था, इस समय वो घटकर 3% के आसपास है। हमने वादा किया है कि हम उसे बढ़ाएंगे, उसको हम 6% करेंगे। 24 लाख पद जो केंद्र सरकार में खाली पड़े रहे 5 साल, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, उन्होंने जनता की भावनाओं को नहीं समझा। नौजवान सड़क पर रोजगार मांग रहा था, उसे लाठी मिल रही थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक जब सर मुड़वा रहे थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे ये उनके पिछले पापों का फल है। हमने वादा किया है कि 31 मार्च 2020 तक 24 लाख पदों को हम भरेंगे। राहुल गांधी जी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, जितने भी वादे थे, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, 60 साल से ऊपर के पत्रकारों को पेंशन देने की बात हो, हमने पूरा किया है। आज पूरे देश के जनमानस को श्री राहुल गांधी जी पर भरोसा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक देश को नया नेतृत्व मिलने जा रहा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो से बहुत सारे वादे तो जो है सर जनता के बीच कहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी अपने सर ले ली है, एक बहुत बड़ी जवाबदेही भी ली है। फिलहाल अब आपके पास आएंगे हम कमल साहब, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक पत्रकार की नजर से हम इस 7वें चरण को देखना चाहेंगे। 6 चरण का चुनाव हो चुका है, आपने देखा है, मतदान का प्रतिशत भी देखा, लोगों का उत्साह भी देखा, और तमाम तरह की रैलियां भी हो रही हैं जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं। 7वें चरण को आप किस तरह से देखते हैं? यूपी में पूर्वांचल की अहम सीटें हैं, इसमें क्या ये निर्णायक साबित होगा 7वां चरण वाकई में? बताइए विजय कुमार साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 7वां चरण का जो चुनाव है ये हमारे उत्तर प्रदेश का आखिरी चरण का चुनाव है। बिल्कुल। और रही बात ये कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ये जनता के सामने इलेक्शन के टाइम के ऊपर लुभावने सपने दिखाती हैं जरूर, लेकिन क्या ये पार्टी खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी ये आफ्टर इलेक्शन पता चल जाता है। इस 7वें चरण में बनारस जैसी अहम सीट पर मतदान होना है, नरेंद्र मोदी की शख्सियत वहां पर है, वो मैदान में है इस समय बनारस से। आप क्या समझते हैं कि बनारस में जो 5 साल में जो काम हुआ है, क्या वो वाकई प्रभावशाली काम है जो नरेंद्र मोदी ने किया? देखिए विजय जी, यदि आप बनारस गए होंगे इस बीच, बिल्कुल, तो आपको स्वतः बनारस का काशी का विकास दिख रहा होगा। काशी में जो आम आदमी के लिए, जो दुनिया भर से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए जो सहूलियतें बढ़ी वहाँ, और जो बुनकर हैं, जो वहाँ शिल्प से जुड़े हुए लोग हैं, वो कालीन व्यवसायी हों या बाकी जो बनारसी साड़ी का काम करने वाले लोग हों, उन सब लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जिस तरह से काम हुआ और काशी के जिस तरह से विकास का काम हुआ, आज काशी की जनता प्रधानमंत्री जी को पलक पावड़े बिछा करके उनका इस्तकबाल करती है। और आप उनका रोड शो हुआ था या उनका पर्चा दाखिला हुआ था, आप अगर वहां गए होंगे या आपके रिपोर्टर रहे होंगे तो आपको जरूर बताया होगा या विजुअल्स आपने देखा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि आज देश की जो आम आवाम है उसके मोदी जी आवाज बन चुके हैं। आज लोग कहते हैं कि मोदी जी इस देश की जरूरत है। हाँ। और हमारे दोनों मित्र, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के मित्र, दोनों लोग ये कह रहे थे कि लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए। मैं भी इस बात को इससे पहले एक चीज और मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि बनारस के अंदर एक बनारस ऐसा भी है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, उसको भी जो है वो वहां पर विकास अभी तक पहुंच नहीं पाया है। वहां की जनता का ये कहना है, बनारस में बाहर के तौर पर तो काफी विकास हुआ है लेकिन जो बनारस के अंदर का एक जो एक्चुअल जो धड़कन है बनारस की, वहां पर सुविधाएं अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं। विजय जी, अगर आप रेखांकित करते कि वो कौन सा धड़कन का है जहां वो नहीं पहुंच पाया विकास, तो मैं शायद आपको सही स्थिति आपको बता पाता। आप अगर सुनी सुनाई बातों पे कहेंगे तो कई बार लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस तरह की बात कहते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, हाँ, ये आपके किसी रिपोर्टर ने बात रिपोर्ट की हो या आपने स्वतः कहीं गए हो काशी में और आपको न मिला हो, तो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको वास्तविकता बता पाऊंगा, अन्यथा ये मुझे कंकाक्टेड सा जो कि जिस किसी ने भी ये बात कही, ये मोटिवेटेड सवाल है। हाफिज गांधी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बनारस के विकास की बात मैं कर रहा हूं यहां पर,
ये हरीशचंद जी ने अपनी बात कही है, आप बनारस के विकास को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी एमएलए एमपी बनता है तो थोड़ा बहुत तो विकास करता है, लेकिन एक वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस गति से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो निकाला जिसमें दूसरे प्रदेशों से लोग आए थे, उस दौरान बिजली गई थी, बिजली की व्यवस्था, और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम गांव देहातों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के रोड शो में अगर आप बिजली नहीं दे सकते सुचारू रूप से तो आप उत्तर प्रदेश का भूल जाइए। दूसरी बात कि ग्रामीण इलाकों का देखिए, अगर आपने बनारस में बाबतपुर एयरपोर्ट बनाकर आप ये समझते हैं कि बनारस का विकास हो जाएगा, तो ग्रामीण इलाकों में देखिए, जयनगर जो खुद प्रधानमंत्री जी ने आदर्श ग्राम योजना में गोद लिया था, वहां 50% अभी भी जो है पाइप फैसिलिटी नहीं पहुंची है, वहां पर अभी भी बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं। आप पुराने बनारस में घुस जाइए, बिजलियों का आपको तार मिलेंगे, टूटे हुए रोड मिलेंगे, तो किस तरह का विकास दिया है? देखिए, बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि कंप्रेहेंसिव विकास बनारस का हो सकता था, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्या आप रोड शो पर ही करोड़ों रुपए खर्च करेंगे? क्या आप वहां पर मीडिया को बुलाकर हेडलाइन मैनेजमेंट करेंगे? बनारस का विकास जिस तरह से होना चाहिए था और डबल इंजन की सरकार में होना चाहिए था, पिछले 2 साल से राज्य सरकार चल रही है और 5 साल से केंद्र सरकार चल रही है, तो जो गति जिस गति में विकास होना चाहिए था। अविरल गंगा की बात करते हैं, अभी भी आप जाकर देख लीजिए, मैं खुद अभी बनारस गया था और बनारस के घाट पर गया था, अभी भी वहां पर आपको प्लास्टिक के पन्निया, पॉलिथीन, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और कहते हैं कि हमने गंगा को अविरल कर दिया, साफ कर दिया। बिल्कुल इनके दावे झूठे हैं। गंगा, नमामि गंगे में 80% जो फंड है वो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है अभी तक। वैसे 2012 से 2017 की अगर बात करें तो ये सवाल उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसके लिए भी है, क्योंकि बनारस उसका भी एक हिस्सा है, वहां पर भी ये सवाल खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, उसके लिए भी ये सवाल खड़ा होता है। फिलहाल अब मैं इस समय अंशु अवस्थी जी के पास जाऊंगा। अंशु अवस्थी जी, अभी आपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो की बात की, जिक्र किया, तो मेरे मन में एक सवाल कौंद गया और मैं उसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो को कहा है अब होगा न्याय, ठीक, तो क्या आपको लगता है कि 72,000 बड़ी सुविधाओं से और जो नौकरियों की जो बात आप कर रहे हैं उससे आप जनता के साथ न्याय कर पाएंगे? धरातल पर अगर जमीनी स्तर पर बात करें, बताइए, मुझे समझाइए। विजय जी, इसको समझने की जरूरत है। ठीक, हमने अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले ऊपर लिखा है टैगलाइन, हम निभाएंगे, क्योंकि और जो अब होगा न्याय की बात है जी। देखिए, नोटबंदी और जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स था, निश्चित तौर से पूरे देश की अर्थव्यवस्था उससे चरमरा गई। लाया गया था 2009 में ही, आपके मैनिफेस्टो में शामिल था वो जीएसटी। वाकई में इस देश के लिए त्रासदी थी। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया मैनेजमेंट करके या मैनेजमेंट करके उसको भुनाया, इसमें कोई दो राय नहीं, और अर्थव्यवस्था में दूरगामी परिणाम होते हैं। आज जो कांग्रेस सरकार के समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय में देश की जीडीपी दहाई में थी, आज वो घटकर नीचे चली आई, 7% पर आ गई। आप देखिए कि आज कोई भी मीडिया समूह इस बात पर चर्चा नहीं करता कि हमारा जो रुपया है वो 70 के ऊपर पहुंच गया $1। यही मोदी जी बोलते रहते थे कि इनकी उम्र से ज्यादा चला गया रुपया, आज 70 हो गया। तो सवाल यह है कि देश में 5 करोड़ रोजगार डूब गए, देश के जितने छोटे उद्योग धंधे थे वो बैठ गए। क्या गुजरात में इसको लेकर प्रदर्शन नहीं था? जनादेश मिल जाने से अर्थव्यवस्था नहीं सुदृढ़ हो जाया करती है, इसका प्रमाण कई सारे अर्थशास्त्रियों ने दिया है। आपके बनाए आरबीआई के गवर्नर आपको छोड़ के जा रहे हैं। पूरा कर दूं, देखिए 72,000 की जो योजना है, देखिए देश में जो गरीबी है, 95% गरीबी 1947 में थी, पिछले जो आंकड़े हैं देश में 22% लोग गरीब हैं, जो आम जो जीवन यापन उससे नीचे है। 72,000 रुपए प्रत्येक परिवार को मिलेगा तो उससे देश में जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि उनके उपयोग की वस्तुएं वो खरीदारी कर सकेंगे और आधारभूत परिवर्तन होगा। चलिए, इसमें कोई बताइए कमरूद जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? ये जो मैंने सवाल पूछा है कि सवाल अब आपको मैं बता दूं, विजय कुमार जी, कि इन लोगों के वादे तो ठीक हैं, वादे के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो ये लोग वादा करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि मूलभूत सुविधाओं को ये प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन जब इनको करना पड़ता है तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि प्रैक्टिकली ये दिखाने में असमर्थ हो जाते हैं। दिखा तो देते हैं वक्ती तौर के ऊपर, भूल जाते हैं, लेकिन इसके बाद में फिर उनकी ये सुध लेने वाले कोई नहीं है कि हम क्या वादा करके आए हैं और इस वादे को हम निभाएंगे, और निभा रहे हैं तो कितना परसेंट निभा रहे हैं। कितना? हरिशन श्रीवास्तव जी बताइए, किस तरह सेटिस्फाइड करेंगे आप इनको? देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं पहले कह सकता कि कांग्रेस सच का अवतार है, तो मैं तो ये नहीं कहता कि जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं झूठ है, लेकिन मैं जरूर कि उनकी जानकारी जरूर दुरुस्त कर दूं कि मनमोहन सिंह जी ने जब 2014 में सरकार छोड़ी थी तो 4 पॉइंट समथिंग जीडीपी थी, इसको 10% से ऊपर बता रहे हैं।
और जहां तक विकास की बात है, देखिए विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 32,000 करोड़ से ऊपर काशी के विकास योजनाओं पे सरकार ने खर्च किया है। आप विद्युत आपूर्ति तो मैं गांव में, किसी गांव में उत्तर प्रदेश चले जाइए, जो हफीज गांधी साहब ने सवाल उठाया था, आपको विद्युत आपूर्ति में गांव का जो जो स्टांस सपोर्टर होगा सपा बसपा का, वो भी कहेगा कि साहब बिजली आती है, बिजली में बहुत सुधार हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम निभाएंगे, 55 साल तक तो नहीं निभाया, और अब ये जो बात कह रहे हैं, ये जनता के मन में बड़ा सवाल कौंधता है कि साहब इन्होंने पूरा एक आधी शताब्दी से ज्यादा इन्होंने सत्ता शासन किया और अभी तक नहीं निभा पाए, तो कब ये निभाएंगे। ऐसा करते हैं कि बनारस से हम गोरखपुर की तरफ चलते हैं और गोरखपुर के चुनावी मुद्दों की बात करते हैं। क्यों हरीश जी, गोरखपुर की हम बात कर लेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा वहां पर जो है दांव पर लगी हुई है। हालांकि उनके सीट छोड़ने के बाद जो उपचुनाव हुआ था वहां पर वो सीट हाथ से फिसल गई थी, ये बात है। उसका भी रीजन वहां के चुनावी मुद्दे थे, मूलभूत समस्याएं थी, जिसकी वजह से जनता में नाराजगी थी। इस बार क्या कमर कस के तैयारी कर ली है उस सीट को आपने मजबूत करने के लिए? देखिए विजय जी, मैं एक बात बताऊं आप जी, ये लोकसभा का ये जनरल इलेक्शन जो है इसको आप उपचुनाव से इक्वेट मत करिए। अच्छा, पहली बात। और उसका कारण मैं बताऊं कि वो भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी का अगर चुनाव होता तो ये इनकी जीत या इनके गठबंधन की अगर जीत होती तो जीत लाखों में होती, 50,000 और 40,000 की जीत नहीं होती। और दूसरी बात, मैं चुनौती के साथ इस बात को कह रहा हूं जी कि जो विकास कार्य गोरखपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है उसके आधार पर मैं इस चुनौती के साथ कह सकता हूं कि बड़े भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी जो वहां के प्रत्याशी हैं वो अपनी विजय को दर्ज करेंगे। और इन 13 सीटों में जिनमें चुनाव हो रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, गठबंधन कि जैसा हाफिज गांधी साहब ने कहा था कि तब हम अलग अलग लड़े थे, अब की साथ भी लड़ रहे हैं, और साथ लड़ने के बाद भी अगर विजय जी 23 को हम लोगों को आप बुलाइएगा, इसी पैनल पे बुला लीजिएगा, तो सबके सामने आंकड़े आंकड़े आएंगे। बिल्कुल, देखिए देश की जनता जिसके साथ होती है, विजय श्री उसके हाथ में आती है। और इन लोगों ने जरूर ये प्रयास किया कि जाति बात के फिर पूरा पूरे उस पे हम चुनाव को ले जाएं। चलिए, और 14 बात पूरी बात हो जाने दीजिए। 14 में इस जाति बात के राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने खारिज किया। चलिए, 14 की बात, 2017 में भी खारिज किया और 19 में भी खारिज करेगी। ठीक है, चलिए आप बात करिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि अभी कह रहे थे कि 2000 बाई इलेक्शन अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इलेक्टोरल मोड में रहती है, इलेक्शन चुनावी मोड में रहती है, और ये प्रधानी के इलेक्शन से लेकर लोकसभा के इलेक्शन को एक ही तरीके से लड़ते हैं। पैसे से भी लड़ते हैं, धन दौलत से भी लड़ते हैं, ताकत से भी लड़ते हैं। तो बाई इलेक्शन को इतनी आसानी से हरीश जी टाल जा रहे हैं, ये कहना उचित नहीं है। दूसरा, 2014 में योगी जी 3,12,000 वोट से जीते थे, तो हमने वो 3,12,000 वोट भी पार करे और उसके बाद 22,000 वोटों से आपको हराया। तो आप जोड़ लीजिए 3,12,000 वो और 22 लाख, तो कितने वोटों से आप हारे? अभी आप कह रहे थे कि बहुत कम मार्जिन से हमारे। अच्छा, दूसरी चीज कमल जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो पूर्वांचल की जो ये सीट है इसको जातीय समीकरण जो है बड़ा हावी रहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी रहता है। तो एक सवाल ये अहम पूछना चाहूंगा कि लोगों से जुड़े जो आम मुद्दे होते हैं, जब उनसे हटकर चुनाव जो है वो धर्म और जाति पर सिमट कर रह जाता है, तो क्या तस्वीर बदल जाती है? जी हाँ, लेकिन अब इस वक्त का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। अब ना यहाँ पे धर्म चल रहा है, ना जाति चल रहा है, अब यहाँ पे सिर्फ चल रहा है एक चीज, क्योंकि जनता ने मूड अपना मेकअप कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया है। ठीक, कि हमें मूलभूत सुविधाएं कौन प्रोवाइड कराएगा, कौन प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से हम ये चीज के ऊपर अपना माइंड मेकअप करके वोटिंग करेंगे। अब रही बात ये लोग चाहे जितना लुभावना शक्ल जो है वो चीज दिखा दें, लेकिन अब इसके ऊपर जनता आने वाली नहीं है। अभी जैसे कि हमारे जो है हरिश्चंद महोदय ने कहा कि कमरूल साहब ये बताएं कि रोड सापा के जमाने में देख करके आए हैं या कांग्रेस के जमाने में देखे हैं या बीजेपी के जमाने, ये अभी रिसेंटली बात हो रही है। हमारा किसी के ऊपर आरोप नहीं है, हमारा एक सजेशन है। सजेशन ये है कि कोई भी सरकार आए, जो वचन दे वो वचन पूरा करे।
और उसके ऊपर ख्याल करें कि हम जो सिस्टम बना करके आए हैं वो जो है पब्लिक तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। पहुंच रही कि नहीं पहुंच, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतने है, ठीक है, कि जो भी सरकार आ गई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, ये बीएसपी की सरकार हो, ये सपा की सरकार हो, या जाकर के जो है बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार बने, हमें जनता की मूलभूत जो सुविधाएं के लिए हमको बनाया गया है, हाँ, वो हमें देना उनके लिए अति आवश्यक है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं बताइए। देखिए, भाजपा के साथी बड़ी शातिराना ढंग से झूठ बोल के निकल गए। एक तरफ ये दोनों ही बातें करते हैं, एक तरफ तो इन्होंने कहा विकास एक सतत प्रक्रिया है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 55 सालों में कुछ हुआ नहीं। आप ये बताओ कि देश में आईआईटी एम्स किसने बनाए, आईआईएम किसने बनाए? एक मिनट, मोदी जी मंचों से कहते हैं हमने 18,000 गांवों का विद्युतीकरण किया है। देश में 6.5 लाख गांव है, उनका विद्युतीकरण उससे पहले ही हुआ था, तो वो किसने किया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल की उपलब्धि नहीं बता पा रही है, इसमें हमारा क्या दोष है? आपके पास पैसा है, पावर है, मीडिया है, चुनाव आयोग है, उसके बाद भी जब आप अपना प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। गांव के लोग आज इंतजार करते हैं कि आपने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया माफ किया, हमने किया मध्य प्रदेश में माफ, मध्य प्रदेश में माफ किया, भारतीय जनता पार्टी ने र्यूमर फैलाया, हमने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ सारे प्रपत्र ले जाकर रखे कि करो समीक्षा, चलिए निभाइए विपक्ष का दायित्व। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ये जिम्मेदारी, ये हिम्मत कर पाएंगे? चुनाव के मुद्दों के विकास की बात इन्होंने की, श्वेत पत्र ला पाएंगे? 5 साल में इन्होंने बताया कि बीजेपी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। 55 साल की अगर बात की जाए, जो कांग्रेस की बात करें, इन्होंने कहा 55 साल में कांग्रेस ने आईआईटी एम्स और इन सब की बात की, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे थे, जो चुनाव के जो मूलभूत मुद्दे, जो विकास की बात थी, जो रोजगार की बात थी, जो शिक्षा की बात थी, महिलाओं के सम्मान की बात थी, उनकी सुरक्षा की बात थी, वो आज भी वैसे की वैसी ही है। कैसे विकास हुआ, कहां पर हुआ, किस तरह से देखते हैं आप बताइए सर। देखिए, मैं समझता हूं कि जब आज भी महिला असुरक्षित है कि नहीं है। देखिए, जब सरकारों से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो यही होगा जी। और सरकार जब विपक्ष से सवाल पूछने लगे तो आप सरकार की हालत जान जाइए क्या होगा। भाई, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, नौकरी, सब पे सवाल होंगे, लेकिन आज क्या कहा जाता है जैसे आप सवाल उठाते हैं कि ये एंटी नेशनल है। कभी भी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। भारत की सभ्यता रही है, वेदों में इस तरह की हमारी सभ्यता रही है कि हमने सवालों को हमेशा प्रोत्साहित किया है। लेकिन आज हालत क्या है कि आज विपक्ष को सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है। दूसरा, जिस तरह से आज हमारे मीडिया तंत्र पर कब्जा है एक खास पार्टी का, उससे क्या हो रहा है कि सरकार का क्रिटिसिज्म लोगों तक नहीं जा रहा है। और जब सरकार का क्रिटिसिज्म लोगों तक नहीं जा रहा है तो असली सूचना लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, भारत में जब तक इन्फॉर्म सिटीजन नहीं बनेंगे तो भारतवासी अच्छा फैसला नहीं ले पाएंगे। और हमारा यह मानना है कि अच्छा फैसला लेने जवाब दे दूं। देखिए, आज से पहले शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात हो रही है, शिक्षा व्यवस्था पे ही बात कर लेते हैं। बोलिए, 80% आज से 10 साल पहले तक 80% इंजीनियर, 80% आईएएस, साइंटिस्ट सब उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़कर साइंटिस्ट बने, आईएएस बने, ब्यूरोक्रेट बने। आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह बदल दिया कि सरकारी स्कूलों की हालत बदतर हो चुकी है और वो प्राइवेट स्कूल में पहुंच चुके। गुजरात का मॉडल कहां पर है? गुजरात में आज तक बुलेट ट्रेन नहीं चली। 2003 में तत्कालीन जो है मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो गुजरात मॉडल कहां पर है? चलिए, गुजरात मॉडल कहां पर है आप बताइए। विजय जी, पहली बात तो ये कि इनको विकास देखना नहीं है, इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, ये डेस्परेशन में है कांग्रेस के लोग, और इसके कारण ये जो देश में विकास हुआ, जो गरीबों के घर पे छत पड़ी, जो गरीबों के घर में बिजली आई निःशुल्क, जो उनको 5 लाख की चिकित्सा सुविधा मिल रही है, बहुत सारी जो योजनाएं हैं, चाहे मजदूरों की पेंशन की बात हो या बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस देखना नहीं चाहती। उसने ऐसा चश्मा लगा लिया कि हम विकास देखेंगे नहीं, विकास सुनेंगे नहीं, हम जो बोलना है वही बोलते रहेंगे। और 23 तारीख को जो भी चश्मा है वो अपने आप उतरेगा, अपने आप उतर जाएगा। और कांग्रेस कांग्रेस जिस तरह से दंभ में रहती है, जिस दंभ में रहती है, जिस दंभ में रहती है, 5 साल में ही, अभी 14 के पहले 10 साल तक ये रहे, और सारी व्यवस्थाएं किस तरह से कोलैप्स कर गई थी, ये देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है।
कि यहां पर जो हमारे देश की राजनीति आज जो है वो मुद्दों से पूरी तरह से क्यों भटक गई है? मुद्दों से भटक गई है, इसका रीजन ये है कि अब तो हम जो एक जर्नलिस्ट के नजरिया से अगर देखें तो सीधा सीधा ये फैक्टर लग रहा है कि अब ये जो जिम्मेदारियां होती हैं, 10 सेकंड में जिम्मेदारियों को इन लोगों ने एक सिस्टम पे एक प्रोडक्ट रख लिया है, प्रोडक्ट बना लिया है और इसको उद्योगीकरण कर लिया है राजनीतिकरण से हट करके एक पत्रकार के नाते। यस, हम जो सरकार की उम्मीद ये करते हैं वो सरकार अब से जनता सेलेक्ट कर रही है जी, क्योंकि हम जनता के बीच में गए हैं, प्रैक्टिकली मैंने उनके जो है व्यूज को देखा है बिल्कुल, और जनता उस सरकार को सेलेक्ट कर रही है कि जो सरकार जो कह रही है वो करके दिखावे। मैं अपने सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो यहां पर आए, इस प्रोग्राम में शामिल हुए और अपने विचार रखे, साथ ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।